हे गाइस, तो आज हम ट्राई करेंगे रिकोट की लिपस्टिक्स। आई एम नॉट ट्रेंड टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स, बट मैं आपके सामने ही क्रिएट करूंगी जो भी क्रिएट करूंगी, और हम देखेंगे कि अगर मैं अपनी ड्रेस के साथ का कलर बना पाती हूँ कि नहीं। ये भी इतना, मतलब ये लाइट कलर है, ये मैंने क्रिएट ही करा है। सो मैं वीडियो में ही आप देखोगे कि मैंने ये कैसे क्रिएट करा है, और मैंने बहुत सारे यहाँ पे शेड्स क्रिएट कर रखे हैं, उनको हम देखेंगे कि कैसे कैसे कलर्स मैंने मिक्स करे। देन आई गॉट लिटिल बिट सिमिलर शेड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऑफकोर्स उसको आप स्मोकी और हैवी मेकअप के साथ वेयर करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, अभी मैंने यूज करा हुआ है रिकोट का ही लिप शेड। मेरे पास दो ही लिपस्टिक्स हैं, बिकॉज मैंने इनके प्राइमरी शेड्स बाय कर लिए थे, बिकॉज मुझे लगता था इनके ब्रांड की अच्छी क्वालिटी के और आपके पास होने चाहिए। डजंट मैटर रिकोट की लिपस्टिक है। मैंने लिया है येलो, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। सो ये चार कलर्स ही हैं जो वो दिखा रहे थे कि इनको मिक्स करके आप कितने शेड्स बना सकते हो। अगर आपके पास कोई डार्क लिपस्टिक है, उसको अगर आपको लाइट शेड बनाना है तो आप वाइट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको, आपके पास रेड है, उसको आपको बर्नड ऑरेंज बनाना है तो आप येलो यूज़ कर सकते हो। किसी लिपस्टिक को आपको मेहरून बनाना है, वाइन शेड बनाना है, तो दीज टू कलर्स आर रियली गुड। सो आज हम टेस्ट करेंगे ओनली रिकोट की लिपस्टिक के साथ कि ये कलर्स वाकई ही डिफरेंट कलर्स क्रिएट करते हैं। और फॉर लेट्स स्टार्ट विद द येलो, एक ही शेड हम पिक करेंगे ताकि हम देख सकें एक लिपस्टिक के साथ हम कितने शेड्स बना सकते हैं। लेट्स पेयर अप येलो एंड ब्राउन टुगेदर। चॉकलेट डे आज के लिए, सो मैं उसको ले रही हूँ। सो मैं उसको यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। सो मैं थोड़ा अच्छी सी क्वान्टिटी का ले रही हूँ ताकि मेरे दोनों लिप्स पे लग जाए। इतनी क्वान्टिटी ली है। मिक्स कर रहे हैं येलो, येलो का मैं थोड़ा सा ही पार्ट लूंगी। देखिए आप, इतना मैंने येलो लिया है। सिर्फ ब्रश के साथ आप मिक्स कर सकते हो, मैं एक लिप ब्रश ले रही हूँ बेसिक वाला, और लेट्स मिक्स इट टुगेदर। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कलर चेंज हुआ है, मैं आपको हैंड पे स्वॉच करके दिखाती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मैं अपने लिप्स पे भी उसको स्वॉच करूंगी। सो लेट्स सी, ये है हमारा रियल कलर। अभी आप देख रहे हो कि इतना डिफरेंस नहीं लग रहा, बहुत ही माइल्ड सा डिफरेंस आया है येलो को ऐड करने के बाद, बिकॉज येलो कम्स फ्रॉम ब्राउन फैमिली। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत येलोइश में ही होता है। मेरा न्यू शेड बन गया ना, जो आपको नॉर्मली नहीं मिलता है मार्केट में। सो यू कैन जस्ट क्रिएट योर कलर्स लाइक दिस। लेट्स अप्लाई दिस लिपस्टिक। सो गाइज, ये शेड बना है, आपने पहले देखा था वो काफ़ी डार्क चॉकलेट था, लेकिन अभी जो शेड है बहुत ही ज़्यादा न्यूड में है, जैसे बहुत ज़्यादा न्यूड में, जैसे स्मोकी मेकअप के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। सपोज मेरे पास डार्क लिपस्टिक थी, मेरे पास ये न्यूड कलर नहीं था, सो विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट येलो पिगमेंट मैंने इसको ये कलर दे दिया। अगर मैं थोड़ा सा इसमें आई थिंक चॉकलेट और डालूँ, इट विल एग्जैक्टली मैच विद माई ड्रेस। सो ये था हमारा येलो के साथ एक्सपेरिमेंट। लेट्स ट्राई अनदर शेड। शेड ले लिया है, एंड देन मैं इसमें थोड़ा ब्लू पिगमेंट डालूंगी, बिकॉज ब्लू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सो हम बहुत थोड़ा डालेंगे। सो मैं इसमें आपको ये भी सिखाऊंगी कि एक ही शेड मिक्स नहीं करना है, आप और भी कर सकते हो। सो मैंने इसमें ये मिक्स करा ब्लू, तो थोड़ा डार्क में चला गया, और मैं इसको थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए इसमें थोड़ा वाइट डाल सकती हूँ, थोड़ा इसमें ब्लैक डाल सकती हूँ। सो चलिए इसमें हम ब्लैक भी मिक्स कर देते हैं, जस्ट टू सी के कैसा होता है चीज़। सो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक कलर, मैं थोड़ा येलो भी डाल रही हूँ जस्ट टू एक्सपेरिमेंट लिटिल बिट। अब मैं दिखाती हूँ किस तरह का शेड बन गया। सो गाइस, ये इस तरह का कुछ शेड बना है। डोंट वरी अगर आपको शेड पसंद ना आए, बिकॉज यू आर नॉट यू नो ट्रेंड टू मेक शेड्स। सो मैं भी आपके सामने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन आप डेफिनेटली अच्छे शेड्स इसमें बना सकते हैं, और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी और लिपस्टिक्स के साथ। मैं ये यहाँ पे रिकोट के साथ ही कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर मैंने इसमें वाइट ऐड किया तो ये कौन सा कलर बना। अगर आपको भी कलर्स के साथ प्ले करना अच्छा लगता है, सो आप इस तरह कुछ ले सकते हो। तो ये तो अजीब सा न्यूड कलर बन गया, बट लोग लेते हैं ऐसे ऐसे न्यूड कलर्स भी लोग लेते हैं, तो मेरी ड्रेस के साथ मिलता जुलता कलर मुझे मिल गया। इसी तरह आप भी ब्यूटीफुल कलर्स बना सकते हो। अगर आप इसको रेड्स के साथ या फिर डिफरेंट कलर्स के साथ करोगे ना, तो और भी बहुत ब्यूटीफुल शेड्स बनेंगे। सो आप देख सकते हो, इनमें से मैं कोई भी पिक कर सकती हूँ एंड ये मेरी ड्रेस के साथ चला जाएगा। और एज ए सेड, मेरे पास ऐसा कलर नहीं है, लेकिन आई कैन क्रिएट बिकॉज ऑफ दीज कलर्स। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने पहले कभी नहीं ट्राई करी थी और फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्राई कर रही हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट वॉज जस्ट अ ट्राई ऑन।
मैं ट्राई कर रही थी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स कैसे बनते हैं, क्या मैं अपनी ड्रेस के हिसाब का शेड बना पाती हूँ, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। और आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो थी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हो, एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आजकल मैं वीक में 2 वीडियोज़ डालने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।